ये तस्वीर आजमनगर प्रखंड के आलमपुर पंचायत के वार्ड नंबर 12 के महादलित टोला की है। इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों में ढूंढिए अपने सत्ता, सरकार और व्यवस्थाओं को। इन तस्वीरों में उन दावों को भी ढूंढिए जो सरकारी सहायता आखिरी पायदान तक पहुंचाने का दम भरते हैं। इन तस्वीरों में सुशासन के हकीकत को भी ढूंढने की कोशिश कीजिए, शायद आपको कहीं सुशासन की धड़कनों की धुक धुकी ना सही बल्कि उसके बंद हो जाने के पहले की कुछ हुरहुरी ही सुनाई दे जाए। ये कलावती देवी है जिसके घर के ज्यादातर मर्द प्रदेश कमाने गए हैं और जो बचे भी हैं वो किसी तरह मजदूरी कर अपना पेट पालते थे, लेकिन इस लॉकडाउन में जहां एक तरफ मजदूरी का काम मिलना बंद हो गया वहीं दूसरी तरफ सरकारी व्यवस्थाओं का एक दाना इन्हें आज तक पिछले 10 सालों से नहीं मिला है। कलावती देवी अपने दोनों आंखों से अंधी हैं। अब ऐसे में कलावती देवी करें तो करें क्या? भूखे प्यासे मर रहते हैं, अभी कोटा मोटा का चौल गोम कुछ नहीं मिलता है, राशन मासन कुछ नहीं मिलता है। हम लोग का परिवार जो पर है तो बाहर में है तो कैसे खाने कैसे पीने कैसे आएगा, लॉकडाउन हो गया तो बंद हो गया है। क्या चाहते हैं तो हम लोग का क्या चाहते हैं, कैसे खाने कैसे रहेंगे? ऐसा नहीं है कि आजमनगर प्रखंड के आलमपुर पंचायत के वार्ड नंबर 12 के महादलित टोला में सिर्फ कलावती देवी ही हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके घर मजदूरी से किसी तरह चलते थे और कईयों के घर वाले परदेश कमाने गए हैं, जिनका गुजारा किसी तरह होता था। किसी का बेटा दिल्ली कमाने गया है तो किसी का पति मुंबई कमाने गया है और वो सभी लॉकडाउन की वजह से वहां फंसे हैं और जो लोग यहां हैं उन्हें सरकारी व्यवस्था तिल तिल मारने पर आमदा है। ताज्जुब इस बात की है कि बेहद जरूरतमंद लोगों का नाम ही पिछले 10 सालों से राशन कार्ड में नहीं है। बिना सरकारी सहायता के रोज कमाने खाने वाले सैकड़ों लोगों ने आज तक पंगु हो चुकी व्यवस्थाओं की कोई शिकायत किसी से नहीं की, लेकिन लॉकडाउन ने जब रोज कमाने खाने के रास्ते ही बंद कर दिए तो ये लोग उस सरकार से राहत की उम्मीद लगा रहे हैं जिन्हें इन्होंने खुद बनाया है। हम लोग का समस्या ये है, घर में चार गो बेटी है, पति बाहर खड़ता है, पति को वहाँ राशन पानी नहीं मिलता, वहाँ भी बेचैन है, हम लोग का घर में भी बेचैन है, बाल बच्चाले को हम लोग को राशन पानी नहीं मिलता है, सरकार ध्यान नहीं देता हम लोग को, खाने का व्यवस्था नहीं है, भूख से मरते हैं, छो पका ले के मर्द बेटा बाहर है, कैसे खाएंगे, बाल बच्चा लेके भूख से मरते हैं, पोती है, दूठो तीन ठो पुतौ है, कैसे खाएंगे, भूख से मरते हैं, की खाए नहीं कर नहीं कुछ नहीं मिलता है, दाना पानी हम लोग को घूम चल बेटा से बम्बई दिल्ली में चल गया, कुछ नहीं मिलता खर्चा पानी, हम लोग भूखा मरते हैं, गरीब आदमी भेन तीन नहीं चल रहा, भेन चलाते हैं 10 साल से कार्ड राशन पानी नहीं मिल रहा है, कैसे खाएंगे क्या करेंगे। बहरहाल हम उन व्यवस्थाओं का क्या करें जो गरीब निर्धन और बेसहारा लोगों के काम ही ना आए। हम उस सरकार का भी क्या करें जो आखिरी पायदान पर खड़े ज्यादातर लोगों को राहत ना पहुंचाकर उसे खड़ा रहने लायक ना छोड़े। इन तस्वीरों ने बिहार में आपदा के वक्त सरकारी राहत पहुंचाने के वाजिब रफ्तार बता और समझा दिए हैं कि जब आजमनगर प्रखंड से महज 200 कदम की दूरी पर बेहद जरूरतमंदों की सूधी लेने वाला कोई नहीं है तो दूर दराज के इलाकों का हाले राहत क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। हाँ, एक हफ्ते पहले इन महादलित बस्तियों में इनके जख्मों पर एक फॉर्म भराकर मलहम लगाने का काम जरूर किया गया, पर सवाल वही, मर जाई लोग तब योजना आई। जयप्रकाश भगत, टाइम्स न्यूज, आजमनगर।